अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो यहाँ देखिए इकरा ने अपने फेस का क्या हाल किया हुआ है, और ये देखिए ये नाश्ता किया है और फेस को कितना गंदा किया है। जो मेरा पुराना फ़ोन था ना, उसका मैंने इस तरह से जो बैक कवर आता है वो बनाया था। यहाँ पर मेरा वेडिंग पिक्चर्स है, देखिए ये मेरे हस्बैंड है और ये ऑब्वियसली मैं हूँ, इसलिए मैंने फेस कवर कर दिया है। बता रही थी कि मेरा कौन सा वाला फ़ोन ख़राब हुआ है, तो आप देख सकते हो ये वाला जो मेरा फ़ोन है, ये पूरा फ़ोन अच्छा ही था वैसे तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये मैं उससे ना गिर गया था, ये मुझसे गिर गया था तो इसकी पूरी डिस्प्ले बंद हो गई है, मतलब उड़ गई है। ये चालू होता है, चलता है, बट सिर्फ उसकी डिस्प्ले पूरी ख़राब हो गई है। तो इसको अब मुझे रिपेयर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना इसमें मेरे सारे पिक्चर्स है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ना एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, बहुत अच्छा वाला, और ये कम से कम 2 साल तो चला ही है, बट ये भी चलता ही था, बट ये अहमदाबाद में ही मुझसे गिर गया। तो आज है मौला हसन की विलादत, तो यहाँ पर मैं फातिहा के लिए कस्टर्ड बनाती हूँ। वैसे तो मैंने बताया हुआ है कि इस तरह बनाते हैं, तो फिर अभी बना रही हूँ तो फिर मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर कस्टर्ड रेडी है, देख सकते हो आप। तो फाइनली मैं अभी रेडी हो गई हूँ और अभी मैं पढ़ूँगी जुमा की नमाज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल सा ये ड्रेस वेयर किया है, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया था शायद से जब मैं लाई थी, तो ये वाला ड्रेस है, मैंने अहमदाबाद से ही लिया था, उसके ऊपर मैंने ये नमाज़ का ही दुपट्टा वेयर किया है। तो अभी मैं पढ़ूँगी जुमा की नमाज़, उसके बाद आज हमारे आका मौला हसन का विलादत का दिन है, तो ये विलादत के दिन के खुशी में मैं आज फातिहा दूंगी। जितने भी हमारे औलिया इकराम हैं, तो उनकी जब भी विलादत हो, कोई बड़ा दिन हो, तो इंशाल्लाह फातिहा ज़रूर दे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज़ बना के दे, बस छोटी भी आपके हैसियत के मुताबिक आप जो भी बना सकते हैं वो दे सकते हैं, बस वो कबूल करें हमारी दिल की मुराद, और हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भी कस्टर्ड बनाया था, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद मैं ये फातिहा दूँगी। तो चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फातिहा देते हैं। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, जुम्मा की ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा कर दी है, अब मैं फातिहा दूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक गिलास पानी लूँगी, और हम आज खुशबुई धूप वगैरह नहीं जलाएंगे, क्योंकि रोज़े में ये नहीं जलाते हैं, रोज़े में धुआँ वगैरह लोबान वगैरह नहीं होता है। तो मैंने जा नमाज़ तो मेरी बिछी ही हुई है, तो मैं यहाँ पर पहले पानी रख दूँगी। और मुझे ना एकदम से सर्दी भी हो गई है, आज मेरा रोज़ा है, 2 दिन से मैंने रोज़े भी नहीं रखे थे, और मैंने ये कस्टर्ड बना लिया था, तो मैं इस पे ही फातिहा दिला दूंगी। तो हम इस पे ही फातिहा दिला देंगे और डिम करो बेटा। यहाँ पर मैंने फातिहा दे दिया है, फातिहा मुकम्मल हो गया है, अल्लाह सबके दिलों की मुराद पूरी करे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो फाइनली अभी हो गया है इफ्तार टाइम, तो मैंने ये सब कट तो कर लिया है, फ्रूट वगैरह, थोड़ा मेरा बहुत मतलब लूज लग रहा है बदन में, एनर्जी नहीं जैसे, और आज मैंने मेरे हस्बैंड की फरमाइश बनाई फिर से ये चिकन स्टिक, तो
ये वाली स्टिक इस बार मैंने मार्केट से मंगा ली है। तब मैं इसके अंदर भर कर फिर इसको फ्राई कर लूँगी। ये मैंने मेरी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर भी चेक कर लीजिएगा। बहुत ही इजी और अच्छे से हो जाती है ये और बहुत टेस्टी बनती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यही बनाओ, तो फिर मैंने यही बनाया। मैं बनाने वाली थी कुछ और, तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ये बना लो, ये मुझे भी अच्छी लगती है और इकरा को भी अच्छी लगती है। तो मैंने अभी जस्ट इसके अंदर जो कोयले का स्मोक दिया है, तो इसके बीच में मैंने इसे जगह करी और फिर उसके उसके अंदर ऐसे एक बाउल रखा, उसके ऊपर कोयला रख के थोड़ा सा तेल डाला और उसका कोयले का स्मोक दिया है मैंने, ताकि जो फ्लेवर एकदम बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। तो चलो हम फटाफट से स्टिक में उसको पैर पिराते हैं, उसके बाद हम ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली ये देखिए इतनी स्टिक बन के रेडी हुई है माशाल्लाह से, और ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। मार्केट से अच्छी आपको घर पर मिल जाएगी, तो इसकी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं रेसिपी ज़रूर इसको शेयर करूँगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। पहले वाली रेसिपी मैंने एग को डिप किया था, इस बार मैं एग डिप नहीं करूँगी, इस बार मैं सिर्फ चिकन टिक्का टाइप बनाऊँगी। तो चलो अब इसको फ्राई करने का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और उसमें मैं थोड़ा सा ही ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा उसमें ऑयल ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमको उसको डीप फ्राई नहीं करनी है, हमको इसको ना चिकन टिक्का फ्लेवर के तरीके से फ्राई करनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है, चेक करा मैंने। तो अब मैं जितनी स्टिक आ रही है उतनी स्टिक इस पर रख दूँगी। तो 2 से 3 मिनट बाद हम चेक करेंगे, और देखिए चिकन एक तरफ से अच्छे से पक गई है। तो इसके अंदर ब्राउन ब्राउन आपको डॉट्स दिखने चाहिए, तभी आपके जो चिकन बनेगा उसमें टिक्का फ्लेवर यानी कि तंदूरी टिक्का फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से मैं उसको टर्न कर रही थी, टर्न करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि स्टिक थोड़ी गर्म हो चुकी थी और यहाँ पर जो स्पून है उसे टर्न हो ही नहीं रही थी। तो मैंने फिर बहुत कोशिश करके टर्न तो कर ली। तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए टर्न कर ली है, अब उसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी मीडियम एंड लो फ्लेम पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हमारी जो चिकन टिक्का स्टिक है वो रेडी है, और उसको मैंने इस तरह से गार्निशिंग की है। चलो आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।